ऑफ इंडिया की एक रियासत ने ऐलान किया है कि अगर आपके 2 से कम बच्चे हैं तो आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। तो रियासत के वज़ीर आला ने ऐसा क्यों कहा और इंडिया का जैसा मुल्क जहाँ पर पहले ये आबादी 1 अरब से ज़्यादा है वहाँ ऐसा हुक्म नाफिज़ करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, आपके साथ तमाम डिटेल शेयर करेंगे। तो इंडिया की रियासत इंदिरा प्रदेश के वज़ीर आला ने एक तकरीब में खताब करते हुए कहा कि अगर आपके बच्चे 2 से कम हैं तो आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, क्योंकि रियासत में जवान नौजवान लोगों की तादाद बहुत कम हो रही है और बूढ़े लोगों में इजाफा हो रहा है, और यही वजह है कि 2031 तक से एक शख्स बूढ़ा होगा और नौजवान लोगों को उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। अगर नौजवान लोग ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा नौकरियाँ और ज़्यादा वसाइल दस्तियाब होंगे। दोस्तों, वज़ीर आला का कहना था कि जापान, चीन और जनूबी कोरिया पहले ही ऐसे मसाइल का शिकार हैं और वहाँ पर नौजवानों की तादाद कम है और बूढ़े अफराद ज़्यादा हैं, और यही वजह है कि अब वो लोगों को शादी करने के लिए रकम फ्राहम कर रहे हैं। और जापान में एक मैरिज बजट का सवाल भी पेश किया गया है कि अगर आप शादी करेंगे तो आपको उसके लिए पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर नौजवान कम हैं और बूढ़े अफराद की तादाद ज़्यादा है और उनकी आबादी में तेज़ी से कमी हो रही है, और ऐसा ही बहुत से तरक्याफ्ता ममालिक जैसे कि अमरीका और बरतानिया में भी हो रहा है। दोस्तों, वज़ीर आला का कहना था कि 1980 में ख़ानदानी मनसूबाबंदी की स्कीमों पर बहुत सख्ती से अमल दरामद किया गया था, जिसकी वजह से नौजवानों की तादाद में कमी आई, और उस वक्त ये ऐलान किया गया था कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उसको इलेक्शन में ऐसा नहीं लेने दिया जाएगा, और यही वजह है कि जनूबी इंडिया में अब नौजवानों की तादाद बहुत कम रह गई है। लेकिन दोस्तों, रियासत के अफराद ऐसा नहीं सोचते हैं, और उनके ख्याल में गरीब अफराद के लिए 2 बच्चों को पालना ही आसान है, क्योंकि वो उनकी बेहतर तरबियत कर सकेंगे और उन्हें बेहतर तलीम भी दिला सकेंगे। हाँ, जो लोग अमीर हैं वो 2-4 बच्चों की तलीम और उनकी तरबियत का खर्चा उठा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि बहुत सी खवातीन काम करती हैं और उनसे ज़्यादा और वो ज़्यादा बच्चों को नहीं पाल सकती, यही वजह है कि वो सिर्फ 2 बच्चों को ही पैदा करने की पर तरजीह देती हैं। सो कुछ अफराद का कहना है कि मर्दों को भी बच्चों की तरबियत में अपना हिस्सा डालना चाहिए ताकि खवातीन ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकें। दोस्तों, आपको बताएँ कि बहुत से खवातीन और मर्द इस बात पर तरजीह देते हैं कि उन्हें बच्चे पैदा नहीं करने हैं और उन्हें सारी ज़िंदगी अकेले ही रहना है, क्योंकि वो बच्चों की तरबियत और उनकी तलीम का बोझ नहीं उठा सकते हैं और ना ही वो उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं, यही वजह है कि वो सारी ज़िंदगी अकेले ही रहेंगे।